हनुमान जय श्री राम। यह है नीम करौली महाराज का मंदिर। जय हनुमान जी। यह हनुमान मंदिर। जय हनुमान। ज्ञान को सागर देता हूँ। वहाँ से आ रहे हैं सर, हल्द्वानी से। पूछ लेना, जरूरी होता है ना, कैमरा अच्छा नहीं है, आप लोग फोर्स वाले हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। दो नदियों का संगम हो रहा है, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया भाई। ऐसा लगा जैसे ऋषिकेश को आ गया। ऋषिकेश बहुत ही बिगड़ आ रहा है यार। हनुमान जल धारा पानी की टोटियाँ लगा रही है लीजिए। सही है। हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहे हैं। मौसम तो अभी ठीक ठाक है, अच्छी हवाएं चल रही, स्लो स्लो ठंडी, बस डर है कि कहीं बारिश ना हो जाए। अभी थोड़ा हम लोगों का प्रोग्राम है आपका बागेश्वर तक जाने का। ये थोड़ा धूप निकल गई है, देखो क्या मौसम हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है आज मौसम। तो सोच रहा था बारिश ना हो जाए, रोज ही बरसात हो जा रही सुबह सुबह। मौसम मस्त हो रहा है फिलहाल, तो अच्छा हो रहा है। कुछ देर में सलड़ी पहुंचने वाले हैं। सलड़ी ट्रैक सूट पहन लीजिए, एक जो हमेशा पहनता हूँ। मैंने कहा था भीग जाए तो इसके बाहर से आराम से रेनकोट पहनने में आराम होता है ना, जैकेट के बाहर से कहाँ पहनो, उतना भारी हो उसके ऊपर से रेनकोट, दिक्कत हो जाती है। ट्रैक सूट में चलो, प्रोटेक्शन के लिए नी गार्ड एल्बो गार्ड पहन लो। अभी सलड़ी पहुँचने वाले हैं, सलड़ी पहुँच ही गए हैं लगभग लगभग। अच्छा हो रहा मौसम, चलो ऊपर वाले की कृपा है, कुछ सीन दिखाएंगे अच्छे से। अभी बज रहा है 7:22 बाइक की घड़ी में, और मैं पहुँचा हूँ आपके भीमताल पे। राइट साइड को दिख रही होगी आपको झील। पुलिस वाले भी जगह जगह खड़े हैं, लॉकडाउन का भयंकर देख रहे हो, गड्ढे पैसे हो रहे हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, रजिस्ट्रेशन भी कराना नहीं कराना पता नहीं। अल्मोड़ा तक जा रहे हैं, तो क्वारब तक जा रहा हूँ, कहूँगा क्वारब तक नैनीताल जिले में आता है। अपनी ही धुन में चले हैं, पहुँच गए भवाली। भवाली जय हनुमान जय श्री राम। सर श्री राम के चक्कर में हुआ, अभी कुत्ता भी हट नहीं जा रहा उठे। चलो फिलहाल तो कोई रोक नहीं रहे, लॉकडाउन का बवाल है। हम तो खा के भी नहीं आया घर से, कुछ होटल में खाना पड़ेगा खाना भाई। ठीक है, पहाड़ में बाहर से आए हुए लोग ही ला रहे हैं कोरोना, यहाँ वाले तो है नहीं है कोरोना ग्रसित। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, चलो थोड़ा तेल डाल लेते हैं यार। हल्द्वानी से यहाँ तक नहीं मिला यार तेल। डाल दीजिए, हाँ फुल कर दीजिए। चलो मिल गया, वो वाला ख़त्म है।
तेल डालना है, तेल डालना है। धन्यवाद यार। चलो अब तेल की समस्या सॉल्व हो गया है फुल। ये था भवाली का पेट्रोल पंप। तो भाई अभी ये पहुँचे हम लोग आपके कैंची धाम पर, मंदिर दिख रहा है। अभी बज रहा आपका 7:55 हो रहे हैं। चलो ठीक है, आगे मिलते हैं। हाँ जय बजरंग बली के भक्त थे हमारे नीम करौली बाबा, आधा जोड़ लो यहीं से। जय बजरंग बली, वहीं से ले जा रहा हूँ, बगल में दिखेगा आपको। ये है नीम करौली महाराज का मंदिर। जय हनुमान जी, हनुमान के भक्त थे हमारे बाबा जी। ये बड़ा शानदार लगता है मंदिर। चलो कुछ चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं। चाय तो पीता नहीं, पाठक रेस्टोरेंट है। ये देखो कौन मिला यहाँ पे, महाराज जी। अरे क्या कर रहे हो, नाश्ता हो गया तुम्हारे का? ठीक है भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी मिल गए देखो यहाँ पे। तो ये पराठा आया है, खाते हैं और निकलते हैं आगे को फिर धीरे धीरे। मठू मठू पराठा खा के बढ़ते हैं महाराज जी को। महाराज जी मिल गए थे यहाँ पे, साथ में एक भाई और है। ये है गर्म पानी पे पराठा बनाया था, तीखा गर्म गर्म लगा दे, बाहर निकल गया मुझे फिर इच्छा नहीं आधा ही खाना। अच्छा कोई बात कैसे जा सकता भाई, हो जाता कभी कभी। तो भाई आज हम रानीखेत की तरफ को नहीं जाएंगे, रानीखेत जाता है लेफ्ट को और ये जाता है सीधे आगे को। अल्मोड़ा 33 किलोमीटर है, अल्मोड़ा रोड पे जाएंगे। बागेश्वर जाना तो 11 रास्ते जाएंगे, पिथौरागढ़ 148, अल्मोड़ा 33 किलोमीटर। तो दोस्तों पहुंच गए हैं ये आपके भोलेनाथ के मंदिर के यहाँ पे। ये हमेशा दिखाता हूँ मैं, थोड़ा टाइम ही रहा नहीं तो यहाँ तो उड़ाएंगे एक बार अपने गोल्डन बर्ड को, जरूर देखना। आते समय टाइम मिलेगा तो उसमें उड़ाऊँगा। जय भोले शंकर, ये तो बनाए रखना। बागेश्वर 101 किलोमीटर। तो भाई ये पहुंच गए क्वार, अब हम क्रॉस करेंगे। ये है पुलिया, यहाँ की शानदार सीन आ रहा है इस पर। मेरे ख्याल से यहाँ से लग गई आपकी अल्मोड़ा की सरहद। कसार देवी 28 किलोमीटर, नंदा देवी 14, अल्मोड़ा 13 किलोमीटर। ये है हनुमान मंदिर। जय हनुमान ज्ञान को अनुसार कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे होगी चेकिंग चुकिंग। इसको बंद कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ उसको। वहाँ से आ रहे हैं सर, हल्द्वानी से। पूछ लेना, जरूरी होता है ना, कैमरा अच्छा नहीं है, आप लोग फोर्स वाले हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे हो रही थी चेकिंग, पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हैं। ज़रूरी है भाई, कोरोना काल है, बाहर से आने वालों को पकड़ा जा रहा है। तो भाई खुप वाला एक कोहरा जैसा लगने लग गया है। अभी पहुँच रहे हैं अल्मोड़ा, रानीखेत 47, कौसानी 50, अल्मोड़ा 2 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ से हम जाएंगे कोसी की तरफ को लेफ्ट, ऊपर चले गए तो अच्छा हुआ। ये अपनी बढ़िया वाली पोर्शे की ट्रैक सूट पहन के लगा, ये केवल रेसिंग के लिए ही होती बनी हुई। यहाँ तो कोहरा पड़ा था, ज़्यादा सर पे नहीं तो देख रहे। तो पहुँच ही गए हैं अल्मोड़ा में, सफ़ेद हो रहा पूरा मौसम।
अभी बज रहे 9:21, हम पहुँचे अल्मोड़ा रघुनाथ सिटी मॉल पेंटालूंस। अल्मोड़ा बाजार खीम सिंह आ गया भाई यार, पिछले बार मिठाई ले गया था भाई के घर से, बड़ा मस्त गाना गा रहा था, कौन सा गा रहा था याद नहीं आ रहा है, कुमार सानू का गाना था वो। तो है भाई खीम सिंह वाली दुकान मिठाई की, यहाँ पे था भाई, अभी दिख नहीं रहा यार, मस्त था भाई। तो भाई की याद आ गई मेरे को, हमारे एक वर्मा जी हैं भाई यहाँ पे, राहुल वर्मा जी, जब भी जाता हूँ यहाँ से उनकी याद आ जाती। तो भाई होगा नाराज, कहेगा यहाँ से गए मिल के नहीं गए, मौसम घिर गया है अल्मोड़ा में, घनेली घनेली है यहाँ का जगह में, घनेली वाली जगह में घना वाला। मौसम मस्त हो रहा भाई, सब मास्क लगा के जा रहे हैं भाई लोग यार, चाइना के शहर में क्या आग लगी पता नहीं, सारी दुनिया को अबड़ ताबड़ में डाल दिया, मस्त व्यस्त हो गई सारी दुनिया, कोहरा ही कोहरा, वाह मजा आ गया। तो अब तो कुछ सीन ना दिखने का भाई, कोहरे के मजे लो। बागेश्वर में गया तो नहीं हूँ, पहली बार ही जा रहा हूँ आज। तो भाई अभी हम आपके सोमेश्वर वाली रोड पे हैं, सोमेश्वर यहाँ से 11 किलोमीटर बता रहा, बागेश्वर है 64 किलोमीटर, और इसी रास्ते में बेंसर भी आएगा। मैं सोच रहा था कोसी वाले रास्ते से जाएंगे, बट ये रास्ता मेरे लिए बहुत नया है, अच्छा है, नया एक्सपीरियंस है कुछ, थोड़ी चौड़ी है सड़क, अच्छी सड़क है। ये है भीमसर काफला काफली है, भीमसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर भीमसर 11 किलोमीटर। शाल जी शाल देख रहे हो, लोमड़ी है लोमड़ी, एक गोपर टीला है ना एकदम आगे से गया हो, पकड़ ही नहीं पाता है फटाफट, को ऑन ही नहीं होता है। तो दोस्तों 12:00 हो रहे हैं आपके 9 मिनट, अभी पहुंच गए हैं आपके बागेश्वर सिटी के अंदर, एंट्री कर ली है, बागनाथ नगरी बागेश्वर आगमन पर नगर पालिका परिषद आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो ये है फिर आपका बागेश्वर, आज अपनी आंखों से देखना अलग ही बात होती है यार, मगर बागेश्वर है अच्छी जगह भाई, मज़ा ही आ गया। थोड़ी गर्मी है इधर, एक घाटी है ना, ये लो जी नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं पता नहीं, यहाँ दो नदियों का संगम हो रहा है, मज़ा ही आ गया भाई। यह बागेश्वर का रौला। अरे नदियाँ कौन सी हुई है, ये सरयू है दूसरी पता नहीं है, अच्छा सरयू और गोमती, हाँ सरयू एंड गोमती का संगम था, मस्त जगह है भाई। तो जो गया दिल गार्डन, गार्डन हो गया बैंक ऑफ द रिवर, भाई साहब सड़क अच्छी कैसी है, मेरे को तो ये समझ नहीं रहा है, आ रही है इतनी बड़ी नदी आ रही है, ये सड़क देखो कटान भी नहीं है तो मिट्टी है पूरी है, कोना कोना है, और देखो घर देखो किनारे किनारे कैसे लगे हुए, समझ में नहीं आ रहा यार ज़मीन कैसे बची, इतनी बड़ी नदी खतरा है। तो भैया ये है पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं अभी हम, क्राउड बहुत है यार,
जहाज पहुंचा यार। एक पुल आ रहा है भैया, पूरी पुल आ रहे हैं यहाँ पर, मजा ही आ गया भाई। ऐसा लगा जैसे ऋषिकेश पर आ गया कौन सी नदी बताए। ये है भैया बागेश्वर के पुलिया भाई साहब, बहुत बिगड़ आ रही है यह नदी। बहुत ही बिगड़ आ रहा है यार। सरयू हुई है? अच्छा, गोमती और सरयू का वो था ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। धन्यवाद। देख लो भैया, चक्कर चक्कर आ रहा नीचे देख के। जब हेटो यार चलान कटाओ। देखो एक चक्कर काट दिया हमें बागेश्वर मार्केट का, टैक्सी स्टैंड है शायद यहाँ पे। पुली पुल है भाई इधर से, वो तो भटक जा। ये अभी हनुमान जी नज़र आ गए मेरे को, यहाँ पे गाड़ी लगाई थी मैंने, देखो हनुमान जल धारा, पानी की टोटियाँ लगा रही है नीचे। सही भाई, ये था बागेश्वर बाजार, एक गोल चक्कर काट दिया है। अच्छी जगह, गर्मी वो खतरनाक है यहाँ, धातु लग रही थी जी भी की जैसी। कोतवाली बागेश्वर है आगे, थोड़ी देर में ढूंढते हैं रूम वूम कहीं अच्छा सा, काम करते हैं, कमर दर्द हो, पता नहीं आज क्या बात होगी।